ठीक है दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का मैं आज फिलहाल की 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन और साथ में जो हमारी मोस्ट अवेटेड, जिसको डायरेक्ट सेलिंग में एक हार्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट कहा जाता है, वैसा फिलहाल प्रीमियम ग्राउंडनट ऑयल, एडिबल ऑयल यानी कि खाने का तेल आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों आज लॉन्चिंग हम लोग वैसे 15 जनवरी को करने वाले थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ को कुछ और ही मंजूर था, तो लॉन्चिंग का दिन भी दोस्तों देखो कि कैसा आया कि भाई 5th एनिवर्सरी फिलहाल की आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 5 साल हमारी कंपनी को पूरा हुए और वो मौके पे आज हम लोग हमारा एक प्रीमियम प्रोडक्ट जिसके माध्यम से हम हर घर जा सकते हैं, वैसा ग्राउंडनट ऑयल जिसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि उसका बेनिफिट क्या है और कैसे ये प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर है। तो और कुछ स्टार्ट करें उससे पहले, आज आज का जो दिन है दोस्तों, हम सभी फिलान परिवार के सभी सदस्य के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। आज वो दिन हमें याद आ रहा है जब 2 मार्च 2019 को हमने फिलान हर्बोमेडिक्स की जब स्थापना की थी, तब हम 10 बाय 10 की एक ऑफिस में थे। सिर्फ 3 या 4 प्रोडक्ट से हमने स्टार्टिंग किया था और वही 10 बाय 10 की ऑफिस से जो स्टार्ट हुआ था हमारा, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉर्पोरेट ऑफिस, कॉन्फ्रेंस रूम, बहुत ही अच्छे गोडाउन और उसके साथ साथ 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे, जो पहले से ही हमारा हेतल फार्मास्यूटिकल्स तो 1989 से था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमको फिलहाल में नए नए जितने भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी, वो सभी प्रोडक्ट के लिए हमने हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग छोटा छोटा स्टार्टअप किया। और हमारी जो पहले दिन से जो एक मानसिकता थी कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग में दिया जाए कि जहां पे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट हो, साथ में प्रोडक्ट के दाम ट्रेडिशनल मार्केट से भी कम हो और साथ में लोगों को पे आउट, जो मेन चीज कि जिसके लिए हर एक बंदा काम करता है, तो वो पे आउट भी लोगों को एक अच्छा मिले कि जहां पे कंपनी का मार्जिन कम से कम रखा जाए और डिस्ट्रीब्यूटर को जो पे आउट जो कमीशन के रूप में मिलता है वो ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। और इसी की बदौलत आज 5 साल खत्म होने पर हमारे पूरे इंडिया में दोस्तों 1.5 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी फिलान परिवार में है। साथ में ही आप गौर करेंगे कि 2-3 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई कंपनी में आज 350+ SKU प्रोडक्ट है। साथ में ही दोस्तों 1 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से स्टार्ट हुई कंपनी में आज 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और आज 5th एनिवर्सरी पे जो हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एक प्रोडक्ट की सिर्फ कमी थी, एडिबल ऑयल की, तो एडिबल ऑयल के लिए भी हमने पूरा सेटअप, पूरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने स्टार्ट किया और अपने ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बेहतरीन क्वालिटी वाला आज एडिबल ऑयल हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं 3 अलग अलग पैकेज में, ठीक है। तो ये 5 साल की जो जर्नी रही फिलहाल में, जहां पे बहुत सारे लोग डायमंड बने, बहुत सारे लोग रॉयल डायमंड बने, क्राउन डायरेक्टर बने, ठीक है, निनाद जी कल कल के क्लोजिंग में निनाद जी फिलहाल ब्रांड एम्बेसडर बने, तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। और महाराष्ट्र में, कांग्रेचुलेशन या तो निनाद जी को मैं अनम्यूट करूंगा और उनसे 2 शब्द सुनेंगे कि उनकी फिलहाल के साथ जर्नी 2019 से कैसी रही, उनके एक्सपीरियंस और लोगों को जो कल के लाइक ग्रुप में मैं मुझे क्रोनिक सर ने दिखाया कि उनकी डाउनलाइन में जो है कैलाशपति ठाकुर जी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डायलॉग लिखा था कि मंगता है तो मंगता है तो मंगता है कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वो फिलोसॉफी के साथ उन्होंने भी दोस्तों, जैसे हमारी पहले भी बात हुई है कि चाहे जीवन हो या बिजनेस हो, उतार चढ़ाव रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, तो वैसे बहुत सारे उतार चढ़ाव निनाद जी ने भी देखे हैं। वैसा नहीं है कि भाई सीधी लिटी में वो लाइक ब्रांड एम्बेसडर बन गए, ठीक है, तो उनकी लाइफ में कैसा कैसा फिलान परिवार की, मैं निनाद जी से अनुरोध करूंगा कि शुरुआत से जर्नी कि आपका ज्वाइनिंग कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या परिस्थिति का सामना किया आपने, उसमें आप कैसे खड़े रहे और कैसे आपने ये पूरा फिलान ब्रांड एम्बेसडर बने, उसके ऊपर उनसे सुनेंगे। ओवर टू यू निनाद जी। थैंक यू सर, और सभी फिलानियंस को और स्पेशली हमारे आइडियल मिस्टर जैविन सर, कुनिक सर एंड ऑल मैनेजमेंट, आप सभी लोगों को मैं सर वंदन करता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा यू टर्न, जिसे हम कहते हैं कि कुछ काबिल बनना,
फिलहाल के कारण आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। सर, शुरुआत की अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल 2019 में मेरी ज्वाइनिंग हुई। जिस बंदे ने मुझे इस इंडस्ट्री में लाया, फिलहाल का प्लेटफॉर्म दिखाया, ऐसा मेरा दोस्त मिस्टर सतीश देशमुख, मैं दिल से उसका आभारी हूँ, क्योंकि वो अगर मेरे जिंदगी में नहीं आता तो इतना सुनहरा मौका नहीं मिलता। सर, सतीश देशमुख जी जब मेरे मुझे जब ये प्लान समझाने के लिए आए थे, तो मैं मेरा खुद का शोरूम था, मल्टी कार डीलर था, लेकिन बहुत रोलिंग में बहुत फंसा था सर। 10 साल से बिजनेस चल रहा था, कंपटीशन नहीं था, तब बहुत बड़ा पैसा कमाया, लेकिन जैसा कंपटीशन मार्केट में मेरे जैसे बहुत सारे डीलर्स आने लगे मुंबई से, तो मेरे इनकम के लिए सैचुरेशन आना शुरू हो गया। मैं बहुत स्ट्रेस में था, तभी मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि नीना, तू तो नेटवर्किंग का बंदा है, पिछले 20 साल से एक्सपीरियंस है, 2002 में खुद की कंपनी लॉन्च की है, एक बार फिलान क्या है ये समझ के ले। अच्छा, जब वो मेरे पास आया था तो सर उसने भी फिलान स्टार्ट नहीं किया था। वो चाहता था कि अगर निनाद बोलेगा कि करना है तो फिर वो ज्वाइनिंग करने वाला था। तो मैंने कहा कि यस, मुझे करना है, क्योंकि ट्रेमेंडस प्लान था सर, और जितना मैंने 20 साल का मेरा तजुर्बा है, वो प्लान के सामने बाकी के प्लान फेल्योर थे। तो सतीश को मैंने कहा कि भाई चलेगा, चलो फिर से एक बार नया प्लान और नया जो भी चैलेंजेस है उसको एक्सेप्ट करते और आगे बढ़ते। तो एक दिन पहले उसने फिलहाल ज्वाइन किया, नेक्स्ट डे मेरा रजिस्ट्रेशन किया। मैंने दिमाग में एक ही माइंड सेट करके रखा था, चाहे मुझे कोई हेल्प करे या ना करे, चाहे मुझे कोई हेल्प करे या ना करे, मेरा इंटेंशन क्लियर है, मेरा लक्ष्य क्लियर है, मैं फिलहाल में क्यों आया वो उसी दिन मैंने डिसाइड किया था। शुरुआत में मेरा सर प्लानिंग था कि जो भी छोटे मोटे कर्जे थे उसको भी अगर मैं निकालता हूँ फिलहाल से तो भी बहुत है, मेरा ऐसा कुछ ड्रीम उस वक्त मैंने डिजाइन नहीं किया था। धीरे धीरे चलता गया, बढ़ता गया, बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया, वन टू वन मिला। पहला जब प्रोग्राम मैंने कल्याण में रखा था, बहुत लोगों को इनवाइट किया था, उसमें से सिर्फ 10 लोग आए थे सर, यानी 100 लोगों को इनवाइट करने के बाद 10 लोग आए थे और उस 10 में सिर्फ 4 लोग जुड़ गए सर। तो फिर सोचा चलो ये 4 लोग मेरे एज अ पिलर करके हम लोग काम करेंगे। 4 लोगों का सपने के लिए, उनके ड्रीम्स पूरे करने के लिए उनकी टीम किस तरह बढ़ सकती है उसके लिए कोशिश करेंगे। तो मैं काम करता गया, बढ़ता गया, धीरे धीरे रैंक अचीव करता गया, और सबसे बड़ी बात आपके जो फिलान की जो ताकत है कि वो चाहे अगर चाहे तो दिन में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, ये सर आपसे मैंने सुना था, तो कंपनी का पोटेंशियल बहुत बढ़िया लगा। दूसरी बात, सीएमडी और एमडीए की सोच डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति क्या होनी चाहिए, कंपनी के प्रति क्या होनी चाहिए, वो मैंने आपके नजर से देखा सर, कि आपकी जो सोच है, एक स्टेटमेंट आपका था कि हम तो ये बिजनेस कर रहे हैं लेकिन हमारे बच्चों के बच्चे भी ये बिजनेस करेंगे, और सर 100% मैं उस बात को मानता हूं। इसलिए मैं बेटे को भी मेरी ट्रेन कर रहा हूं, बहुत सारी बुक्स उसके लिए लाया हूं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, और लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, टीम किस तरह हैंडल करना है, उसके बहुत सारे बुक्स मेरा बेटा भी पढ़ता रहता है सर, और अच्छा स्पीकर भी है सर। लास्ट मंथ में ग्रेट स्पीकर करके ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल ने उसको हाईलाइट किया था सर, सेलिब्रेट किया था उसको, उसको सम्मानित किया था। तो बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत जब मैंने मेरे मिसेस को बताया, जैसे मैंने फिलहाल में ज्वाइन किया, घर पे आया, तो घर वालों का तो आपको मालूम है नेगेटिव सोच कि मार्केटिंग हमारे खानदान में, हमारे घर में किसने किया नहीं है, हम लोग बिजनेसमैन हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज में क्यों जा रहा है, यह हमारी बस की बात नहीं है, यह हमसे नहीं होगा। शुरुआत में सर 1-2 महीना घर में बहुत सारे झगड़े भी हुए, उसको मालूम नहीं था डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो मैं सिर्फ अभी झगड़े होते थे इसलिए मैं रात को लेट भी जाता था घर पे और सुबह जल्दी निकलता था, क्योंकि वो डिबेट कौन करता बैठेगा। तो जैसे जैसे शुरुआत में इनकम कुछ नहीं था सर, मेहनत थी,
यानी 500 रुपया कमाने के लिए मेरा 10-15 हजार रुपया खर्चा हो रहा था, एक्सपेंसेस ज्यादा थे। दिमाग में एक माइंडसेट करके रखा था कि मेरा जो भी एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है वो मेरी इस कंपनी के प्रति इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर हम देखना जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट लगती है बॉस। तो मेरी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं सोचा नहीं, बढ़ता गया, कुछ महीने गुजर गए, उसके बाद 5-6 महीना मेरे साथ मेरा सीनियर था मिस्टर सतीश देशमुख, उसके बाद वो किधर बिजी हो गया, मुझे ऐसा ही आवारा छोड़ दिया उसने। तो मेरा सीनियर ही कोई नहीं था, तो मैं ये रट लगा कि नहीं बेटा यार अभी मेरा सीनियर नहीं है, या अभी मैं आगे कैसे बढ़ूं, या टीम को किस तरह हैंडल करूं। सर जो जो मेरे में माइनस पॉइंट थे ना, मेरा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था कि खुद को इंटेलिजेंट समझना या खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझना, क्योंकि एक्सपीरियंस था और ये लोग मुझे क्या सिखाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह, जिससे मैं शुरुआत में थोड़ा पीछे रह गया था। जब मेरे अपलाइन ने मेरी साथ छोड़ी तो मैंने दिमाग में एक ही रखा कि मेरी अपलाइन मेरी कंपनी है, अभी जयमीन सर कुनिक सर मेरे अपलाइन है, बाकी मेरे मुझे अपलाइन की जरूरत ही नहीं है। वो सोच से सर मैं आगे बढ़ा, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, अच्छे अच्छे लोग, कट्टर फिलानियन जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ट्रू फिलानियन जिसे हम लोग बोल सकते हैं, वैसे कुछ लीडर्स के मैं नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर कैलाशपति ठाकुर फ्रॉम भिवंडी, मिस्टर राजमणि जी, गजेंद्र जी, अंकुश राठौड़, हमारे पितामह डॉक्टर नजमा अली कादरी जी, अनगिनत नाम है सर, अच्छे अच्छे लोग हम इस प्रवास में या इस सफर में मुझे मिले, तो बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरे जैसे 10 लोग भी अगर मुझे मिलते हैं ना तो बहुत बड़ा कारवा खड़ा कर सकते हैं। उस सफर में बहुत सारे लोग, यानी लोग आते गए, लोग जाते गए, कुछ लोग जो फिलान से गए उसके पीछे उनका इंटेंशन भी मुझे समझ में आ रहा था कि शॉर्टकट में बड़ा पैसा और मैं ही सब कुछ, ये ईगो एटीट्यूड, और शॉर्टकट में बड़ा पैसा किस तरह आए, वो चक्कर में वो फिलान छोड़ के गए। आज सर मैं उनकी हालत देखता हूँ, बहुत बेकार है सर। आज हमारे फिलान के साथ अगर जुड़े रहते तो गारंटी के साथ कहता कि कम से कम ये 1 साल में 25 से 30 लाख रुपए आराम से कमा लेते, लेकिन आज उनकी सिचुएशन ये है कि 1 महीना ये कंपनी तो दूसरा महीना वो कंपनी, यानी भटकती आत्मा बन गए सर। वो भटकती रू रहती है ना, और जिस जिस बंदे ने फिलान को बाय बाय किया है ना, उसको उसके सपनों ने बाय बाय किया है सर। बहुत खस्ते हालात में वो जी रहे हैं, बुरा भी लगता है, मैं इनवाइट भी करता हूं उन्हें कि भाई आ जाइए फिर से एक बार हम लोग शुरू करते हैं। कुछ लोगों ने वो एक्सेप्ट भी किया, कुछ लोग दोबारा हमारे साथ जुड़ गए और नए पैमाने से अभी उन्होंने अपना करियर को स्टार्ट किया है। जब शुरुआत में थे तब थोड़ा ईगो एटीट्यूड बहुत सारा लीडर्स में भरा रहता है, लेकिन अभी जो मेरे साथ रिस्टार्ट किए ना सर, सरेंडर होके पोलाइटली हमारे साथ जुड़ गए सर। तो मैं एक ही कहना चाहूंगा कि भले आपकी टीम कितनी भी बड़ी हो, हमारे पैर जमीन पे ही होने चाहिए। फिलहाल के माध्यम से हमारे तो सपने पूरे होंगे, लेकिन हमारा पहला कर्तव्य बनता है, जिस बंदे ने जब हम 0 थे उस वक्त, जिस जो बंदे हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे, हमारा एक ही लक्ष्य है कि उन सभी लोगों को सपनों को साकार करना। और सर बहुत बहुत प्राउड फील कर रहा हूं। मैंने सुना था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडर्स कहते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, आर्थिक आजादी मिलती है, समय की आजादी मिलती है, आप अपने समय को भी एंजॉय कर सकते हो और पैसों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की बारी भी नहीं आए। अगर सर्विस करता तो ये दिन शायद 58 साल के बाद मेरे नसीब में आते, ये गारंटी नहीं है सर, क्योंकि महंगाई दर तो बहुत बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल के माध्यम से सर 4 साल में आज उस अचीवमेंट पे पहुंचा हूं कि आज अगर मैं घर में भी खुद को लॉक करके बैठू ना, तो फिलहाल के माध्यम से ढेर सारा पैसा मेरे अकाउंट पे आता रहेगा सर।
यानी फाइनेंशियल फ्रीडम भी मुझे मिला है, टाइम फ्रीडम भी मुझे मिला है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे माध्यम से ऑल महाराष्ट्र में जितने भी मेडिकल कैंप होते हैं, बहुत सारे मेडिकल कैंप को जब मैं विजिट करता हूं तो बहुत सारे पेशेंट्स सर फोर्थ स्टेज का कैंसर से लेके छोटे से छोटे आजार तक बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं, और उन बहुत सारे पेशेंट्स को फिलान के प्रोडक्ट से जबरदस्त रिजल्ट आए सर। तो वो एक दिल को तसल्ली लगती है कि काम अच्छा हो रहा है, एक सोशल वर्क हो रहा है, बहुत सारी बीमारियों के ऊपर हमारे पास अच्छा सा इलाज भी है, अच्छे से मेडिसिन भी है, और वो सब मेडिसिन इंडियन मेंटेलिटी को सूट करते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स हमारे हैं जिसके सहारे हम लोग हमारे कहते हैं ना कि किसी की मरीज की दुआ ले सकते हैं सर। तो बहुत प्राउड फील मोमेंट है। कुछ लोग अगर मेरे मैंने अभी समय बहुत कम है, बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए, बहुत जगह बहुत सारे अदर कंपनीज ने बहुत सारे मुझे बड़े बड़े ऑफर्स भी दिए, लेकिन मेरा लक्ष्य एक ही था सर, चाहे कोई कुछ भी कहे, आखिर दम तक, मरते दम तक फिलान का और मेरे फिलानियंस का, मेरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट रखा है, उनका कभी भी विश्वास मैं कमजोर नहीं होने दूंगा, कभी भी ट्रस्ट जो रखा है ना 100% मैं उसके लिए खरा उतरूंगा सर। और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ सर, आज भी हमारा बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने जा रहा है, और मैं तो चाहता हूँ कि साल में एक बार होता है, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हर दिन फिलान का जबरदस्त सेलिब्रेशन हो। सो ट्रेनिंग, खुद को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, खुद को पहले चेंज कीजिए, खुद का नजरिया पहला बदली बदली कीजिए, 100% पॉजिटिव देखोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। सो बहुत सारे लोग आज मुंबई कल्याण में आ रहे हैं, और महाराष्ट्र के जितने भी लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बिजी है, बहुत सारे ट्रेवल्स में है, तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग कल्याण में फिलान का मेगा सेलिब्रेशन अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, आप कल्याण में आए तो 100% आपका कल्याण ही होगा। सो मैं बेसब्री से सभी लोगों का उस हॉल में, उस बैंक्वेट हॉल में इंतजार कर रहा हूँ, और बहुत प्राउड फील है सर। एक्चुअली शब्द कम है, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य था, 3 साल मैंने टारगेट रखा था कि 3 साल में कंपनी की हायर रैंक, हाईएस्ट रैंक, सर्वोच्च रैंक मुझे अचीव करना है। तो मैंने ये नहीं देखा कि पैसा मुझे कितना आ रहा है, हमारी जो स्टेप्स है रैंक की, ब्रॉन्ज से लेके फिलान ब्रांड एम्बेसडर तक, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही था सर कि ये महीने में हर हाल में मुझे ब्रॉन्ज अचीव करना है, नेक्स्ट मंथ हर हाल में मुझे प्लेटिनम अचीव करना है, एमराल्ड अचीव करना है, डायमंड अचीव करना है। उस रैंक को अचीव करने के लिए मेरे लेफ्ट में एक्टिव लोग कितने हैं और राइट में एक्टिव लोग कितने हैं, उनके ऊपर मेरा ज्यादा फोकस था। उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने छोटे छोटे टारगेट्स भी दिए थे, छोटे छोटे गिफ्ट्स भी रखे थे। दूसरी बात, जिस टीम से कुछ लोग लेफ्ट हो रहे थे, या होता है ना कभी कभी लालच में या ईगो में चुप बैठे रहना, तो उनके जगह अल्टरनेट रिक्रूटमेंट में किस तरह करूं जिससे मेरे 10 और 10 लेफ्ट पैरेलल में चले। एक ही गोल सेट किया था कि लेफ्ट में 10 ब्रांड एम्बेसडर खड़े करने हैं और राइट में 10 ब्रांड एम्बेसडर खड़े करने, और उसके काबिल वो पोटेंशियल किस बंदे में है, भले वो अभी सक्सेस नहीं है, लेकिन अगर उसको पॉलिश किया जाए तो वो 100% सक्सेसफुल लीडर बन सकता है। तो उन लोगों के ऊपर फोकस किया, धीरे धीरे बढ़ता गया, और आज बहुत सारे यानी महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूं सर, तो महाराष्ट्र के फिलान के जितने भी हमारे फिलानियंस है, उनका अगर ब्लड ग्रुप देखेंगे तो आपको वो फिलान कहीं दिखाई देगा सर, पी फिलानियन पी पॉजिटिव, कट्टर फिलानियन बन गए सर। सो बहुत प्राउड फील करता हूँ ऐसे महाराष्ट्र को, ऐसे मेरे प्यारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं लीड कर रहा हूँ, और लीड करने का सौभाग्य आपने मुझे दिया है, इसलिए फिर से मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा, और सर रजा लेता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे आगे के शेड्यूल्स है, आपको मालूम है सर, लास्ट मंथ लास्ट ईयर बहुत
जंबलिंग हुआ था, तो उसके पीछे मुझे जाना है, फिर भी मैं आखिर तक ये सेशन अटेंड करूंगा, आपको सुनना है नए नए प्लानिंग, क्योंकि आपसे जब भी मैं मिलता हूँ इस जूम मीटिंग से या फोन से, तो सर मुझे भी बहुत एक बहुत बड़ा बड़ी ऊर्जा मिलती है सर, क्योंकि हर बंदे को चार्जिंग की जरूरत रहती है, तो आप मेरे लिए बहुत बड़ा चार्जर हो, आप हो, क्रोनिक सर हो, स्पेशली मैं थैंक यू कहना चाहूँगा नैनेश जी, मैंने सर आपको मैसेज भी किया था उस रात 11:45 बजे क्लोजिंग के दिन, उस बंदे ने सर इतना यानी गलती से 50,000 BV सर डबल 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 एक नया स्टॉक पॉइंट था वहां से लग गए थे, तो मैंने उनको डिस्टर्ब किया सर कि सर प्लीज कुछ ऐसा सिचुएशन है तो आप थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए, और उस बंदे ने सर 11:45 बजे मैंने सब डिटेल्स दिया, 12 बजे तक बेचारे वो मेरे लिए वो यानी एक मुझे बहुत मैं दिल में एक जगह कर बैठे सर वो सो नैनेश जी के लिए मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा, हमारा ग्रेट रिपर्चेस डिपार्टमेंट है। दूसरी बात क्रूनिक सर के लिए तो मैं क्या बोलूँ सर, वो मेरे बहुत भाग्य है सर कि इतना डाउन टू अर्थ एक MD एक आम आदमी के साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एज अ फ्रेंडली बात करता है, वो कभी ईगो नहीं है जो बाकी लोगों में मैंने देखा है, MD CMD बनते तो खुद को साले क्या समझते क्या मत, लेकिन हमारे CMD हमारे MD मैं उनका भी थैंकफुल हूँ, हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट जो देखते हैं परीक्षित जी, कभी कुछ अगर किसी का पे आउट मिस्टेकली नहीं आता है क्योंकि पैन कार्ड बैंक डिटेल्स IFSC कोड कभी कभी लोग भरते नहीं है, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को कभी कभी पे आउट में कभी दिक्कत आती है, अगर बैंक डिटेल भरा नहीं है तो आएगा कैसे, तो ऐसे सिचुएशन में मैं कभी कभी उनका सर खाता हूँ, तो उनको सॉरी कहना चाहूंगा, और ग्रेट सपोर्ट उनका भी है, और हमारे और एक सबसे बड़े सर एडमिन हमारे सार्थक जी, तो सार्थक जी तो मैं तो मेरे छोटे भाई के जैसे समझता हूँ, क्योंकि कहीं पे भी हो उनका पर्सनल नंबर या उनका जो कंपनी का जो नंबर है सर कभी भी कॉल करता हूँ वो बंदा मेरा फोन उठाता है सर, सो मेरे सक्सेस के पीछे सर आप सभी लोगों का बहुत बड़ा रोल है सर, एक मेरा सपना पूरा हुआ, 20 साल से मैं सोच रहा था कि साला डायरेक्ट सेलिंग में बाप कंपनी का बाप रैंक अचीव करना है, और वो फिलान ब्रांड एम्बेसडर के रैंक से मुझे जो आज मैं सम्मानित हुआ हूँ सर, उसके लिए मैं कंपनी और फिर से सभी मैनेजमेंट और जितने भी मेरे वेल विशर्स है और जितने भी मेरे प्यारे दुश्मन है, क्योंकि दुश्मन बहुत कम हो गए अभी, और वो गलती से बने हैं सर, गलती से बने हैं अभी पछता रहे, तो उन सभी को, क्योंकि दुश्मन नहीं रहते तो मैं इतना आगे भी नहीं जाता, क्योंकि मुझे चैलेंज पे काम करने के लिए बहुत मजा आता है सर, तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस मेरे जिंदगी में आए, तो उस चैलेंज को पार करके आज सर मैं इस मुकाम पे पहुंचा, तो फिर से मैं दिल से सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, ऐसे ही आप हमारे साथ सर, मेरी महाराष्ट्र की टीम आपसे बहुत कुछ सुनना चाहती है, स्टेबिलिटी के बारे में, कंपनी के नए नए प्लानिंग्स के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में बहुत सारे, तो सर आपके आप को मेरी गुजारिश है कि जितने भी या पूरे इंडिया में दिल में अगर कोई भी छोटी सी भी चीज है ना सर, मैं सभी फिलानियंस को कहना चाहूंगा उसको निकाल दो, आप खुद एक लीडर हो, आप खुद एक अच्छा इंसान हो, आप अगर ठान लोगे ना तो साला ब्रांड एम्बेसडर क्या हो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 साल में ठोक दोगे, मेरा ड्रीम था सर कोरोना में भी 2 साल, अगर वो कोरोना नहीं आता था ना सर तो शायद आज मैं 1 करोड़ इनकम क्रॉस कर देता था सर फिलहाल से, तो वो सनक एक दिमाग में बैठी है और उसको जल्द से जल्द मैं पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ज्यादा से ज्यादा मेरा फोकस वही है कि ज्यादा से ज्यादा अचीवर्स और ज्यादा से ज्यादा रैंक अचीवर्स बना के ज्यादा से ज्यादा टीम को आगे कैसे लेके जाऊं, सो थैंक यू वेरी मच सर, जल्द से जल्द चाहता हूँ सर, हमारा तो अभी नेशनल लेवल पे काम चल रहा है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जल्द से जल्द इस कंपनी की उड़ान हो, और गारंटी के साथ कहूंगा इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग ही आगे रहेंगे, महाराष्ट्र ही लीड करेगा इंडिया को फिलान का झंडा फिलान का परचम लहरा के, सो थैंक यू वेरी मच आपने जो मुझे मौका दिया इसके लिए, वंस अगेन थैंक यू आप सभी को, थैंक यू वेरी मच, यस सर ओवर टू यू, धन्यवाद नीना जी, आपसे जो दिल की बात फिलहाल के लिए जो सुनी, मैं कुछ चीजें
जो लोगों को कॉमन क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट सेलर के, जब वो सक्सेस नहीं होते हैं तो एक छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, तो वो लोगों के लिए एक मिसाल है निनाद जी, आपको जानकर ताजुब होगा कि कंपनी से जो महाराष्ट्र की लेख स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो उसमें निनाद जी शायद 15वीं या 20वीं लेवल पे हो गए, बीच वाले 15 से 20 लोग चले गए, ठीक है निनाद जी, एम आई राइट और रॉन्ग? 15 से 20 लोग यस सर, जो उनकी अपलाइन बोली जाती है वो लोग चले गए, ठीक है, फिर भी ये बंदा हिला नहीं। कई बार निनाद जी मैं आज लाइक कन्फेस करता हूँ, मुझे भी वैसा लगता था कि भाई ऊपर वाले 15-20 लोग चले गए हैं तो शायद ही आप अभी ज्यादा फोकस से काम कर पाएंगे, क्योंकि हर एक में ये लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है, और जब लाइक कभी भी जो टॉप लीडर रहते हैं उनके नीचे वाले लोगों के लिए तो एक लीडर हमेशा रहता है, ठीक है ना, लेकिन टॉप लीडर बन के कंपनी के साथ काम करना, क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, वो लाइक समय में हम जो हमारा जैसा मैनेजमेंट है वो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम के लिए 1.5 लाख का परिवार संभालना है तो उसके लिए बिजी ना बिजी रहता है। आप लोगों को जानकर ताजुब होगा कि मेरी और निनाद जी की साल में 1 या 2 बार बात होती है, ठीक है, तो इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी खुद को मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट करते हुए, फिलहाल के ऊपर इतना भरोसा रखते हुए जो उन्होंने जो हासिल किया है वो दोस्तों काबिले तारीफ है, और वो कैसे हासिल हुआ है वो मुझे ही पता है, ठीक है, कि इसके लिए नीना जी ने कितनी मेहनत की है, कितना प्लानिंग किया है, कितना इन्वेस्ट किया है। एक समय था जब अपने पे आउट का 100% नीना जी अपनी टीम के ऊपर खर्च करते थे, ठीक है, और आज नीना जी को मैं ये चीज भी साथ में जब ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो एक और चीज उनको याद दिलाना चाहूंगा कि ये तो कंपनी का लास्ट रैंक था, इससे आगे अभी आपको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी जो प्रूव करना है वो आपको आपकी टीम के लिए करना है। जैसा कि आपने बताया कि जैसे आप ब्रांड एम्बेसडर पर पहुंचे वैसे आपकी टीम से कैलाशपति ठाकुर जी है, राजमणि वर्मा जी है, या गजेंद्र कुमार जी है, कोई भी है आपकी टीम का जो आज ही ज्वाइन हुआ डिस्ट्रीब्यूटर ही क्यों ना हो, वो ब्रांड एम्बेसडर कैसे बने वो आपसे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता उनको कि कैसे बनना है, मैं भी नहीं, क्योंकि आपने वो चीज लाइक पर्सनली आपने वो फील किया है कि ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी चाहिए, क्या क्या चीज सीखनी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको 5th एनिवर्सरी के इस प्रोग्राम में आपको एक और जिम्मेदारी दे रहा हूं कि सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं लेकिन पूरे इंडिया में जिसको भी ब्रांड एम्बेसडर बनना है तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां, क्या क्या प्री रिक्विसाइट चीजें होनी चाहिए, वो सर आपको एज अ गाइड के तौर पे आपको लोगों को देना पड़ेगा, यस सर, ठीक है ना, तो ये सब चीजें, क्योंकि आपकी जीत डायरेक्ट सेलिंग में तब होती है जब आपका पेआउट बड़ा बन जाए, आप एक रैंक पे पहुंच जाए, वो आपकी जीत नहीं है दोस्तों, आपकी जीत वहां पर है कि जो मुकाम पे आप पहुंचे हैं वो मुकाम पे आप दूसरे लोगों को लेके जाए, क्योंकि ये टीम वर्क का बिजनेस है, ठीक है ना, कोई पर्सनल अचीवमेंट का ये बिजनेस है नहीं, टीम वर्क का बिजनेस है। तो टीम वर्क में अभी हम 6th ईयर एनिवर्सरी फिलान की जब सेलिब्रेट करें तो एटलीस्ट ज्यादा नहीं लेकिन 6 लोग निनाद जी आपके माध्यम से ब्रांड एम्बेसडर बने, वैसे एक आशा एज अ CMD, एज अ कंपनी के एक परिवार के सदस्य के रूप में मैं आपसे रखता हूं। यस सर, यस दूसरी सर, चीज जो नीनाथ जी ने बताई कि हमारा जो हमारे स्टाफ का नेचर बताया, दोस्तों आपको जानकर ताजुब होगा कभी भी मुझे नैनेश जी को, सार्थक जी को, या परीक्षित जी को बोलना नहीं पड़ा है, या क्रोनिक जी को बोलना नहीं पड़ा है कि भाई आपका ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये कंपनी का कल्चर है, जैसा कल्चर कंपनी का रहेगा तो वो कंपनी बहुत आगे जाएगी। कभी भी मैं वो उनको बोलता नहीं हूँ कि रात के 12 बजे भाई आप लाइक लाइव रहो, ये रहो, वो रहो, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी खुद समझते हैं और वो जिम्मेदारी के मुताबिक वो काम करते हैं। तो आज जो 5th ईयर एनिवर्सरी के प्रोग्राम में मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जो हमारी आज जो कंपनी है वो दोस्तों ऑटो मोड में आ गई है, ठीक है, हमको जो प्रोडक्ट चाहिए थे वो सब प्रोडक्ट मिल गए हैं, ठीक है, जो लास्ट प्रोडक्ट एक बाकी था जो आप लोगों का कैलाशपति जी और वो लोग कांस्टेंट मुझे लाइक बोल रहे थे कि सर ये प्रोडक्ट चाहिए, बाद में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, और वो प्रोडक्ट में भी हम क्या इनोवेशन लेके आए हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तब आपको ये सेमिनार खत्म होते होते वैसा हो जाएगा कि भाई अभी हमारे पास एक पारसमणि आ गया है, हर घर हमारा एक कस्टमर है और हर घर में हम फिलान प्रीमियम ग्राउंडनट ऑयल को लेके जाएंगे, और जो हेल्थ की दुनिया में इंडिया में जो हम रिनोवेशन या इनोवेशन दोनों चीज जो करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो दोनों को कॉस्ट को मद्दे रखते नजर और इंडियन कंज्यूमर को परवड़े वैसे रेट में हम वैसी चीजें लेके आए हैं
पहले हमारी मेडिसिन को हमने हिट किया, उसके बाद कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को किया, अभी क्लीनिंग प्रोडक्ट में भी हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हम लोग ये ऑयल स्पाइसेस उसमें भी बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं निनाद जी कि यस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, डिसीज हो लाइक आपको होए ना, उसके लिए सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि भाई आपके घर का जो खाना है, आपके घर में जो स्पाइसेस यूज होते हैं, आपके घर में जो ऑयल यूज होते हैं, उसके क्वालिटी ही उतनी सुपीरियर हो कि वो जाके आपको कभी भी डिसीज का स्टेज आपको सामना ना करना पड़े। और अगर बाय चांस किसी को हो गया है तो उसके लिए भी हमारे पास मेडिसिन है, ठीक है। तो हमारा मेन एम अभी आज से हमारा वो रहेगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा काम करेंगे कि भाई डिसीज हो ना, इसके लिए क्या क्या जरूरी है, वो हर एक चीज प्लान में है। और दोस्तों ये ऑयल का प्रोडक्ट जो हम ला रहे हैं वो दोस्तों एक पारस मनी साबित होने वाला है, वो आपको आज के ये सेशन पूरा होने के बाद आपको पता चलेगा। क्योंकि कोई भी चीज को जब आप हेल्थ के एंगल से देखते हैं तो वो चीज में जो चाहिए वो हर एक चीज हम लोग हमारे हर एक प्रोडक्ट में रखने का ट्राई करते हैं। और एट द सेम टाइम हम इंडियन कंज्यूमर का भी ध्यान रखते हैं कि भाई प्रोडक्ट का प्राइस उतना ओवर प्राइस ना हो जाए कि जिसके कारण अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम आए, ठीक है दोस्तों। तो आज जो हमारा 5th ईयर जो एनिवर्सरी है उसके मौके पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड थी, ठीक है, कि भाई एडिबल ऑयल चाहिए, और उसमें भी लोगों की वैसी डिमांड थी कि राइस ब्रांड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उसमें भी हमने राइस ब्रांड से भी बेहतर कुछ चीज लेके आए हैं। और वो खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, आप कभी भी उसको विजिट कर सकते हैं, कभी भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इतनी ट्रांसपेरेंसी दुनिया के किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में दोस्तों आपको नहीं मिलेगी। तो ऑयल का रोल दोस्तों पता है आपको कि ऑयल हम हर रोज खाते हैं तो उसका रोल एक बहुत ही अहम हो जाता है। और आज आप देख रहे हैं कि मार्केट में ऑयल के माल मार्केट में गवर्नमेंट का वैसा रूल्स है दोस्तों, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में कि आप ग्राउंड नट ऑयल या कोई भी ऑयल हो उसके अंदर 30 से 40% तक आप मिलावट में पाम ऑयल आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप पाम ऑयल डालेंगे तो पाम ऑयल के क्या ड्रॉबैक्स है आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो हार्ट रिलेटेड बीमारियां, ब्लड प्रेशर, ठीक है, आर्थराइटिस जैसे हर एक चीज जो आपको दिख रही है, वेट गेन से लेके हर एक चीज, उसके पीछे की वजह दोस्तों पाम ऑयल है। और कॉस्टिंग को नीचे लाने के लिए, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां 40-40% तक पाम ऑयल अंदर मिक्स करती है। आपको बाहर लेबल में लिखा होगा राइस ब्रान ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, ये वो, लेकिन अंदर फिर भी एडल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें कस्टमर को या कंज्यूमर को पता नहीं है। हमारा काम क्या है दोस्तों कि इंडिया को एक बेहतर प्रोडक्ट दे, इंडिया के हर एक कंज्यूमर को एजुकेट करे कि भाई ये सब चीजें क्या हो रही है। क्योंकि कस्टमर को तो आज मैं आपको वैसी 10 चीजें बताऊंगा कि वो आपको पता ही नहीं थी कि भाई ऐसा भी होता है, ठीक है। वो आज आपको पहली बार पता चलेगा। जो आज मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं वो नॉलेज आपको कस्टमर को देना है, फिर चॉइस उसका है कि उसको लेना ना लेना, ठीक है। हमारा काम क्या है कि हम अच्छी चीज दे, सोने जैसी चीज दे, ठीक है, और उसका रीजन बताए कि भाई आपको ये चीज क्यों यूज करनी चाहिए, ठीक है। और फिलहाल का तो पहले दिन से दोस्तों आप लोगों ने पहले दिन से ऑयल का आपका डिमांड था, लेकिन आज 5वें साल पे क्यों लॉन्च हुआ उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि फिलहाल क्वालिटी के प्रति 100% प्रतिबद्ध है। अगर हम बाहर से बना के लेते तो वो क्वालिटी में क्या एडल्ट्रेशन मिक्सिंग करके देगा वो हमको पता नहीं चलता है दोस्तों। ये तेल वैसे होते हैं कि उसमें एक 1% सिर्फ नेचुरल फ्रेग्रेंस डाल दो ना अंदर, तो आपको आप स्मेल करेंगे ना तो आपको वैसा लगेगा कि ये मूंगफली का ही तेल है, आपको वैसा लगेगा कि ये सरसों का ही तेल है, लेकिन वास्तव में अंदर 30-30, 40-40% तक पाम ऑयल डाला जाता है, ठीक है। तो ये चीज में हम किसी और के ऊपर लाइक निर्भर नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए हमने 5 साल तक भले ऑयल में हमने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, हमने वो बिजनेस नहीं लिया, लेकिन आज 5वें साल में हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करके हम अभी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट के साथ आज रेडी है। आज जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो इन स्टॉक है, तो आज के आज आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 5 साल तक हमने एक बेस क्रिएट किया फिलहाल में कि भाई जितने भी प्रोडक्ट है वो खुद के मैन्युफैक्चरिंग वाले हो, क्वालिटी वाले हो और अफोर्डेबिलिटी उसकी अच्छी हो। और आज 5 साल के बाद दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी और कोई नए प्रोडक्ट हम लॉन्च करें तो वो हमारा प्लस है, और अगर हम ना भी करें, हम करने ही वाले हैं, हालांकि हमारा विजन है 1100 प्रोडक्ट तक पहुंचने का, 350 से, ठीक
ठीक है, उसमें 550 मेडिसिन के और 550 घर में यूज होने वाले। लेकिन एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपना मार्केट करने में डिस्ट्रीब्यूटर को जो प्रोडक्ट देने चाहिए उससे दो से तीन गुना प्रोडक्ट ज्यादा है फिलहाल के पास। तो अभी वो एक कंप्लेन आपके माइंड में नहीं रहनी चाहिए कि भाई फलाना प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है। एक पूरा पोर्टफोलियो आज 5 साल के बाद कंपनी आपको दे रही है। और अभी से नेक्स्ट लाइक आज से ही मैं खुद अभी 5 साल के बाद मार्केटिंग के लिए उतरने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। और अभी हम लोग हर रोज आपको सपोर्ट हो वैसे डॉक्यूमेंट्स, वैसे मार्केटिंग के पैम्फलेट्स वो सब बना के आपको डालेंगे। और अभी से मेरा फोकस दोस्तों, जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमको बनाना था वो हमने बना लिया है। और आज से मेरा फोकस बिल्कुल आप लोगों का ग्रोथ, आप लोगों को प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैसे करना है वो सब चीजों के ऊपर जाएगा। आज दोस्तों लगभग लगभग 3-4 महीने के बाद हम लोग जूम मीटिंग में मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जब जूम मीटिंग में मिलते नहीं है तो लोगों को एक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई कंपनी में दिक्कत है, ये है वो है। दोस्तों कंपनी में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कोई दिक्कत पूरी जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी रहने वाली नहीं है, ठीक है। आपको लाइक मुझे फोकस से कॉस्मेटिक का यूनिट, न्यूट्रास्यूटिकल का यूनिट, ऑयल का यूनिट बनाना था, तो वो फोकस के साथ हमने वो तीन चीजें बना ली। वहां पे मेरी जरूरत थी तो वहां पे मैंने फोकस किया। अभी पूरा एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनने के बाद अभी हम लोग एज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मार्केटिंग कंपनी की ओर से करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमको दोस्तों आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा फोकस एक ही होना चाहिए कि जो हमारा एंड यूजर है, एंड कस्टमर है, उनको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी में मिले, अच्छे दाम में मिले, और उसको वो प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है मार्केट के प्रोडक्ट के मुकाबले वो चीज भी आपको उनको एजुकेट करना है। और दोस्तों बिजनेस है तो बिजनेस में प्लस माइनस होता रहेगा, आपको डटकर जो उसका प्रोसेस है वो प्रोसेस के ऊपर पूरा काम करना पड़ेगा। जब आप डटकर वो प्रोसेस के ऊपर काम करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों विदाउट फर्दर डिले आज हमारे 5th ईयर एनिवर्सरी, जैसे नीनाथ जी वहां पे कल्याण में ऑलरेडी सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, ये साल हमको ऐसा था कि ऑल ओवर इंडिया से लीडर को यहाँ पे बुलाएंगे और यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हुआ वैसा दोस्तों कि जो 15 जनवरी को जो हमको प्रोडक्ट लॉन्च करना था उसमें थोड़ा डिले हो गया, इसीलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम बहुत जल्द यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया का एक सेमिनार करने वाले हैं, और यहाँ पे आपको ऑयल का यूनिट, कॉस्मेटिक का यूनिट, न्यूट्रास्यूटिकल का यूनिट, आपको समझो कि स्पाइसेस का यूनिट और अपना हेतल फार्मा, ये सब यूनिट का विजिट भी करवाएंगे। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया का एक सेमिनार भी करेंगे, और साथ में हम लोग बहुत दिन से मिले नहीं है तो हम मिलकर बात भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि जूम के माध्यम से तो बहुत मिले लेकिन 1-to-1 बहुत कम मिले हैं कोरोना के बाद, ठीक है दोस्तों। तो हमको दोस्तों जो हमारी कंपनी का कल्चर है जो है वो कि भाई चाहे वो मीटिंग हो या ना हो, ठीक है, चाहे 4 महीने के बाद हो, लेकिन आपके अंदर वो कोई नेगेटिव चीज या कोई वो चीज नहीं होनी चाहिए कि भाई ये क्या हो गया। जो भी कंपनी करेगी वो आप लोगों के अच्छे के लिए ही करेगी। अभी कुछ चीजें सही करने का बाकी है, ठीक है, कंपनी में जो मुझे पता है कि भाई ये चीज सही होनी चाहिए, तो उसके पीछे भी मेरा कुछ पायलट प्रोजेक्ट, कुछ मेरा एक्सपेरिमेंट चलता है, तो उसमें आपको मुझे सपोर्ट करना है। अगर मुझे वो एक्सपेरिमेंट सही लगेगा तो मैं तुरंत आप लोगों को उसमें लेके ही जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखो कंपनी चला रहे हैं तो छोटा मोटा बहुत लाइक ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहेगा, लेकिन अपना कंपनी समझ के, मुझे आपका समझ के आपको काम करना है। हमको किसी का भी गलत नहीं करना है, कस्टमर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या कंपनी हो, ठीक है। तो दोस्तों आज 5th ईयर एनिवर्सरी जो फिलहाल की हो रही है, हमने कभी भी सोचा नहीं था कि एक बंदे से स्टार्ट हुई कंपनी में 1.5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर होंगे 5 साल में, दो तीन प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई कंपनी आज 350 प्लस प्रोडक्ट हो गए, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से स्टार्ट हुई कंपनी में 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गए, और एक बंदे से स्टार्ट हुआ परिवार आज उतना बड़ा हो गया है कि भाई लाइक जब भी कोई दिक्कत मुझे आती है या आपको आती है तो हम सब लोग साथ में खड़े रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही प्यार और ऐसा ही लाइक फिलान के प्रति हम सभी का जो रिस्पेक्ट है वो बरकरार रहे। और भगवान जगन्नाथ जी से एक प्रार्थना करेंगे कि आगे भी हमारे फिलान परिवार को खुश रखे, कोई भी दिक्कत ना आए, और लोगों का भला कर सके, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा कर सके। पहला मोटिवेशन हमारा वो होना चाहिए कि इंडिया के जितने भी लोग हैं उनका स्वास्थ्य हमारी प्रोडक्ट से अच्छा हो। वो अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो सपना है वो भगवान जरूर पूरा करेगा। दोस्तों जो मैं बहुत ही बिलीव करता हूँ कि वर्ल्ड में जो एनर्जी है वो एनर्जी ऐसी है कि अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो ही जाता है।
अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजों को माइंड में रखते हुए आज जो 5वीं एनिवर्सरी हम लोग फिलहाल की सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक 5वीं एनिवर्सरी का जो लैंडमार्क है, ठीक है, माइलस्टोन है, वहां पे हमने एक लिटी में, मैं अगर बोलूं एक लाइन में, तो हमने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को पूरा सजा लिया है, ठीक है। अभी 6ठी एनिवर्सरी से लेके 10वीं 11वीं एनिवर्सरी तक हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग रहेगा, और मार्केटिंग में कैसे पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव रिजल्ट के साथ लोगों की जिंदगी बेहतर की जाए, क्योंकि फिलान का प्लेटफॉर्म आप सभी को पता है कि फिलान के वर्ड का मतलब ही दोस्तों सोशल चैरिटी होती है, ठीक है, एक चैरिटी होता है। तो हमको ये फिलान का प्लेटफॉर्म का जन्म इसीलिए हुआ है कि भाई आप जैसे लाखों डायरेक्ट सेलर की जो अच्छी तरह से हार्डवर्क करके कुछ कमाना चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, और वो चीज को आज हमने 5 साल में बहुत कुछ साबित भी कर दिया है, लेकिन आने वाले 5 साल में 50 साल का हमको काम करके दिखाना है दोस्तों, ठीक है। और उसके लिए जो कुछ भी आपको मार्केटिंग के ओर से हेल्प चाहिए वो हम देने के लिए तैयार है। लेकिन लास्ट में एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि दोस्तों हमारा जो कमिटमेंट है वो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। हमारा जो लोगों को हम जब बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो वो उतना भी ओवर नहीं बताना चाहिए कि भाई आज आप लोगों और कल अच्छा हो जाएगा, वैसे गलत कमिटमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। अगर उसको अच्छा होने में 2 से 3 महीने का कोर्स चाहिए, तो उनको पहले ही हम लोग बता दें कि भाई 3 महीना आपको लगातार ये दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो उनको रिजल्ट देने में टाइम लगता है, लेकिन जब वो रिजल्ट मिलता है तो फिर वो पूरा रूट से खत्म करता है बीमारी को, ठीक है। तो ये सब चीजें कभी भी एज अ फिलानियन आपका कमिटमेंट कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो विदाउट फर्दर डिले, जो हमारा चैंपियन प्रोडक्ट